शहडोल सांसद ज्ञान सिंह का निर्वाचन जबलपुर हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में उन्हें अंतरिम राहत देते हुए 2 हफ्तों के लिए स्टे भी दिया गया। कोर्ट ने एक चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए उनका निर्वाचन निरस्त कर दिया है। ज्ञान सिंह ने फैसले के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत कोर्ट में आवेदन दिया, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते का स्टे दिया है। एक्ट में सांसद ने सुप्रीम कोर्ट जाने तक फैसले पर स्टे की मांग की थी। गौरतलब है कि भाजपा सांसद ज्ञान सिंह के खिलाफ शहडोल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी महावीर प्रसाद मांझी ने 2016 में चुनाव याचिका लगाई थी। इस याचिका में उन्होंने कहा था कि शहडोल में हुए लोकसभा उपचुनाव में वो निर्दलीय प्रत्याशी थे, लेकिन सत्ताधारी दल भाजपा के प्रभाव में आकर निर्वाचन अधिकारी ने उनके जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति जताते हुए नामांकन पत्र गलत तरीके से निरस्त कर दिया था। चुनाव याचिका में इसे अवैध बताते हुए उन्होंने भाजपा सांसद ज्ञान सिंह का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की थी। इसे सही मानते हुए हाईकोर्ट ने सांसद ज्ञान सिंह का निर्वाचन निरस्त कर दिया है। ये शहडोल सांसद ज्ञान सिंह के चुनाव को आज माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। इस आधार पर रद्द किया है कि जो एक कैंडिडेट था महावीर प्रसाद मांझी, उसका नामिनेशन फॉर्म गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया था। उसको माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा है कि रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं था, वो गलत तरीके से फॉर्म रिजेक्ट किया है, इस आधार पर चुनाव रद्द कर दिया। तो आज ज्ञान सिंह की तरफ से मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना की गई कि चूंकि आज जो माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में ऐसे दायर करना चाहते हैं, और अधिनियम में ऐसे प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट में तक सुनवाई होने तक के लिए न्यायालय इस आदेश कर सकती है। उसको प्रावधान को संज्ञान में लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश को 2 हफ्ते के लिए रोक लिया।